नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ही होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का काम करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए, किसी किसान भाई को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। आज शनिवार है जी, 10 जून है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 2-2 हज़ार रुपये आने हैं उसका बड़ा धमाका हुआ है सरकार का, और 35 सेवाएं हैं जो आपको घर बैठे ही सरकार मुहैया करवाने जा रही है। पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट है जी, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी जरूरी है। अगर ई केवाईसी नहीं ना होने पर नहीं आएगी आपकी 14वीं किस्त, जो कि 15 जून तक किसान ई केवाईसी करवा सकते हैं, तो उसके बाद किसानों के खातों में आगे की किस्त आएगी, 14वीं किस्त खातों में आएगी। अगर नहीं करवाई तो आपके खातों में 14वीं किस्त नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले जो भी किसान भाई हैं, वो अपने गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ई केवाईसी फेस और ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। एक मोबाइल से 10 किसानों की ई केवाईसी की जा सकती है, या फिर किसान भाई pmkisan.gov.in पर जाकर, इस लिंक पर जाकर भी अपने आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी कर सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा हर गांव में कैंप लगाया जा रहा है, लाभार्थी किसानों की केवाईसी भी की जा रही है। ठीक है जी, यहाँ पर फिर एक तो वही अपडेट आई है जी, पीएम किसान योजना का लाभ के लिए 15 जून तक ई केवाईसी करवाना जरूरी है। कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले कैंडिडेट किसान भाई 15 जून से पहले पहले ई केवाईसी करवा लें, अदरवाइज उनकी 14वीं किस्त नहीं आएगी। किसान भाइयों के लिए एक और खुशखबरी है जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। किसानों के लिए जो भावांतर राशि मिलती है किसान सम्मान निधि योजना बढ़ाने की संभावना संभव है घोषणा। सीएम ने आज बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने और प्रभारी विप्लव देव के बीच 4 घंटे तक किसानों पर हुआ मंथन। हरियाणा की भाजपा सरकार राज्य किसानों के हित में अहम फैसले ले सकती है। सूरजमुखी उत्पादक किसानों को जहां भावांतर की राशि बढ़ा कर दी जाती जा सकती है, वहीं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने वाले किसानों के हित में लाभ योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा प्रभारी बल्लभ कुमार देव के बीच करीब 3 घंटे तक किसानों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई, बातचीत हुई। ठीक है जी, और इसके दौरान प्रभावी ने एक ट्वीट भी कर कहा कि मुख्यमंत्री के साथ किसानों के कल्याण के मुद्दे पर बातचीत हुई है। ठीक है जी, और जो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सूरजमुखी का एमएसपी 6760 रुपये क्विंटल घोषित किया है। बाजार में किसानों को 4,000 रुपये तक रेट मिल रहे हैं। भावांतर भरपाई की राशि 1,000 रुपये मिलाकर यह 5,000 रुपये तक बढ़ते हैं। सरकार किसानों को सूरजमुखी के फसल एमपीएस पर ही खरीदने की घोषणा कर सकती है। ठीक है जी, और ये हरियाणा भवन में, चंडीगढ़ जो हरियाणा भवन है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11:30 बजे हुई थी। शनिवार को सुबह 8 बजे हिसार के हांसी में होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भागीदारी करने निकल जाएंगे भाजपा प्रभावी, जो कि 6:30 बजे आसपास चंडीगढ़ पहुंच गए थे और 7 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा आरंभ की थी। यानी कि जो सूरजमुखी पर और खेती जो बदल बदल के बीजेंगे उनको भी भावांतर राशि बढ़ाकर देने की सरकार घोषणा कर रही है अगर भाजपा की सरकार आती है तो। इन नेक्स्ट खबर है जी, इन दिनों जून के पहले सप्ताह में गर्मी दिखाकर असर 43.2 डिग्री के साथ जींद रहा सबसे गर्म। शाम को हिसार में भी आई
अंधी, ठीक है जी, ये शुक्रवार की खबर है जी, यानी कि कल की खबर है। सिरसा में 42.2 टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर रहा है, जिसमें जींद में 43.2 डिग्री सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आया है। उसके बाद सरसा आया है जी, ठीक है। उसके बाद डाउनी है सभी का टेम्परेचर, बट सबसे ज़्यादा जींद में है। आज भी बारिश के आसार लग रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आती है जी ग्रुप फी की, जो कि तृतीय श्रेणी के 12,000 पदों के लिए 24 व 25 जून को होगी परीक्षा। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले चरण में 13 श्रेणियों में 12,000 पदों पर परीक्षा होगी, जो कि पदों की तुलना में 4 गुना से कम उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, यानी कि बुलाए जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट खबर है, अब जो जितने भी गांवों में वार्ड होंगे, अलग अलग वार्डों में अलग अलग CSE खुलेंगे। अब तय सीमा से ज़्यादा कोई भी CSE आपसे फीस नहीं ले पाएगा, क्योंकि पहले मनमानी वसूल पर सरकार सख्त हो चुकी है। नगर निकाय मंत्री ने निर्देश दिए हैं, अगर कोई भी CSE इस आदेश का पालन ना करता हुआ पकड़ा गया, यानी कि मनमानी करता पकड़ा गया, तो उसका CSE सेंटर का जो कह लें लाइसेंस है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। वसूली की शिकायतों पर सरकार ने संज्ञान लिया है। अब सभी वार्डों में अलग अलग कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSE सेंटर खुलेंगे, जहां केवल तय शुल्क पर ही लिया जा सकेगा। इस संबंध में नगर निकाय मंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए निर्देश जारी किए हैं। वहीं कैथल शहर में 31 वार्डों में 10 CSE यानी कि नागरिक सुविधा केंद्र खोले जाएंगे, जहां सरकार की ऑनलाइन योजनाओं के लिए लोगों के लिए आवेदन और अन्य कार्य होंगे। अलग अलग जगहों पर कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले युवाओं को स्वीकृति दी है, हालांकि कागजों में वार्ड अनुसार CSE दिए हैं, लेकिन कई अन्य वार्डों के नाम पर CSE लेकर लघु सचिवालय आसपास चलाए जा रहे हैं, और कई CSE संचालकों की ओर से कार्यों में आमजन से मनमानी वसूली की जा रही है, जबकि सरकार ने हर कार्य के लिए CSE संचालकों को एक निश्चित राशि लेने के लिए अधिकृति दी है। इसमें से इस उससे उसका कमीशन मिलता रहेगा, यानी कि अगर कोई CSE ज़्यादा वसूली, मनमानी वसूली करता पकड़ा गया, आपने शिकायत की, तो उसका कैंसिल सीधा का सीधा जो उसका लाइसेंस होगा कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जी ये अपडेट आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर आप किसान भाई हो तो ये खबर आपके लिए भी बहुत अच्छी है। तो सबसे बढ़िया भी अगर किसान भाइयों को PM सम्मान निधि योजना मिलती है, तो 53 आप कृपया करके 15 जून से पहले पहले EKYC जरूर करवा लें। और अलग अलग फसल बदल बदल कर बेचने पर भावांतर राशि भी बढ़ाकर देने की भाजपा सरकार घोषणा कर चुकी है। और 23.2 डिग्री के साथ जींद सबसे ज़्यादा गर्म रहा। और इसी के साथ जो तृतीय श्रेणी ग्रुप सी के 12,000 पदों के लिए 24 व 25 जून को होगी लिखित परीक्षा, और सभी वार्डों में अलग अलग CSE सेंटर खुलेंगे। ये 5 आज की लेटेस्ट अपडेट सी थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।